तो मैंने ना यहाँ पर ऐसे फेव ऐप है उससे बाय करा। तो जो भी है, जो भी आया है बहुत दिमाग खराब करके रख दिया है। कल रिलीज हुई है, बस को रिलीज हुई है तब से ना दुख रहा है ना सारे जो कि वहां बहुत जरूरत लगने वाले हैं भाई। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो आज थर्ड डे है, मैंने जो ट्रीटमेंट कराया था बालों के लिए तो आज मैंने वॉश कर लिया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम से स्मूथ। और मुझे ब्लो ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और आपने सही ड्राई किया है और अच्छे लग रहे हैं। सो हैप्पी। सो बस अभी हमारा लंच हो गया है और अब मैं और मेरी फ्रेंड दोनों जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग के लिए क्योंकि हमारा टिकट हो गया है। मैं और अर्जुन जा रहे हैं। सो बस अब तैयारी और जोर शोर से शुरू करते हैं और थोड़ी सी शॉपिंग है आज और इस वीक में जो भी होगा वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूँगी कि मैंने क्या क्या तैयारी की, कैसे सब चल रहा है। ठीक है, आज लंच में बना रही हूँ पनीर भुर्जी। फ्रिज में अभी जो कुछ भी रखा है वो मैं पूरा खत्म करने के लिए लगी हुई हूँ। सो ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया है, बस एक पनीर का पैकेट बचा था तो मैंने सोचा कि अभी आज लंच में जो है पनीर भुर्जी बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा ये शिमला मिर्च रखा था और वो कट कर लिया है और थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा चिली, थोड़ा सा कैप्सिकम, प्याज, टमाटर जो भी है हमारे पास सब डाल देंगे और डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, बस इतना ही। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले पैन में डालेंगे घी, मैं घी में बना रही हूँ, ऑयल में भी बना सकते हैं। तो इसमें डालेंगे जीरा, जीरा थोड़ा सा भुन जाए तो फिर उसमें डालेंगे प्याज, फिर गार्लिक जिंजर और हरी मिर्च डाल देंगे। उसके बाद सारा जो मैंने वेजिटेबल कट किया है कैप्सिकम टमाटो वो डाल के हल्का सा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, एकदम से ओवर कुक नहीं करना है। और बस उसके बाद पनीर डाल देंगे और मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट, बस।
और जब ये हो जाएगा तब उस पर हम थोड़ा सा दही डालेंगे। तो दही डालने का बेनिफिट ये है कि ये थोड़ा मॉइस्ट होता है, अदरवाइज पनीर बाद में थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसे थोड़ा सा दही लास्ट में डाल देंगे जिससे ये बहुत सॉफ्ट रहेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। सो लंच रेडी हो गया है और अभी हमारा अपॉइंटमेंट है RT-PCR का, तो पहले वहाँ जाएंगे फिर आके लंच करेंगे। और अर्जुन का एग्जाम ख़त्म हो गया है और अर्जुन ने न्यू हेयर कट किया है और एग्जाम ख़त्म होते ही सबसे पहले क्या शुरू हुआ है, सी कौन सी मूवी है, जोकर। कल रिलीज हुई है, फर्स्ट को रिलीज हुई है, तब से मतलब इंतजार था का कब एग्जाम खत्म हो और कब मैं देखूं। तो जैसे ही पेपर फिनिश हुआ वैसे ही शुरू हो गए, पटाखे भेजा मैंने हेयर कट के लिए कि हेयर कट करा के आए और लंच हो गया है, अब RT-PCR करा के आते हैं। सो हम लोग का RT-PCR हो गया और इतना दुख रहा है नाक में। अर्जुन का तो सेकेंड टाइम था, अर्जुन का तो सेकेंड टाइम था, मेरा फर्स्ट टाइम था। पूरी इरिटेशन हो रही है, बिल्कुल ठीक नहीं आई मुझे। ठीक आ जाती तो क्या अच्छा हो जाता, मुझे तो पेन हो रहा है अंदर, मुझे खुजली हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कोई छींक वीक नहीं आई। अभी आ रही है चीज थोड़ा लग रहा है क्या नाक में? अच्छा और यहाँ पे हम लोगों की पैकिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले अर्जुन अपने स्टार्ट कर रहे हैं पैकिंग और उधर मैंने अपने कपड़े निकाल के रखे हैं। यहाँ पे अर्जुन के सारे कपड़े हो गए और ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने खरीदी हैं तो मैंने ऑलरेडी सेपरेट करके रख दिया है पॉलीथीन्स में, तो उसको ऐसे ही पैक करूँगी। और यहाँ मेरे सारे सलवार कुर्ते आ गए हैं बाहर तो बस वो पैक करेंगे और जाने की तैयारी। तो बस पैकिंग अभी स्टार्ट कर दी है और टाइम हो रहा है अभी रात के 11:30। अभी डिनर के लिए हम लोग फ्रेंड के घर पे गए होते तो बस अभी वापस आए और अर्जुन बोले सबसे पहले मैं अपनी पैकिंग कर लेता हूँ, मम्मा थोड़ा सा तुम शुरू करो, तो सब कुछ भी बाहर निकाल के रख दिया है और देखते हैं। जब से टिकट बुक हुआ तब से 2 दिन ही बस खुशी थी, उसके बाद 2 दिन के बाद ये नया वायरस आ गया। कौन है भाई साहब? मिस्टर ओमिक्रॉन। तो ये जो नया वायरस ओमिक्रॉन आया है, जो भी आया है बहुत दिमाग खराब करके रख दिया है
अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। मतलब आरटीपीसीआर तो करा ही लिया आज दिन में मैंने, और देखते हैं। मतलब 3 साल हो गए यार, अभी 3 साल हो गए घर नहीं गए हम। अब ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा डर भी है और थोड़ा सा खुशी भी है जाने का। बट ठीक है, अभी पैकिंग वगैरह सब कर लेते हैं, संडे को है फ्लाइट, देखते हैं। फिलहाल के लिए तो जा ही रहे हैं। तो बस अर्जुन की एक्साइटमेंट एकदम से भर भर के निकल रही है, बहुत ही ज्यादा खुश है। मतलब उसको तो मतलब यही टेंशन है, बार बार आके पूछ रहा है मम्मा ऐसा तो नहीं है कि हमारे सारे प्लान्स जो है वो आप फेल करवा दो। होने का मैं थोड़ी करवा रही हूँ। अभी देखना पड़ रहा है, टेंशन भी तो होती है, बट ठीक है। श्रवण ऑलरेडी पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा अंदर से निकला, चलो हम भी जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, सबसे मिल के आते हैं एटलीस्ट। ठीक है, बस जल्दी से पैकिंग करते हैं, फिर कल की कल देखेंगे। और मैंने अपने नेल्स भी करा लिए हैं, छोटू छोटू से मेरे नेल्स। मुझे ना बड़े नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मेरे बहुत ही सॉफ्ट नेल है तो कुछ होता नहीं है, टूट जाता है। तो इसलिए आज मैंने जेल पेंट कराया है, और कुछ दिन तो चलेगा ही ना ये, पर मुझे एक्सटेंशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो इस बार नहीं करा रही। मैंने सोचा जाने दो, पता है पहले बहुत नेल पेंट लगा दी थी मैं, जब से लास्ट ईयर से लॉकडाउन हुआ और सब एकदम से घर में ही बैठ गए और कहीं ना जाना ना कहीं कुछ, तो इतना आलस आने लगा इन सब चीज़ों को करने से। वो बीच में तो एकदम से छूट गया था, पर अब फिर से थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है और अच्छे लग रहे हैं, है ना। पैरों में भी सेम कलर ही किया है, बस ये टूटे ना, मेरे तो बड़े हल्के से नेल हैं तो टूटने नहीं चाहिए, वही बड़ी प्रॉब्लम है, टूट जाते हैं। जिनको जिनको हार्ड नेल्स होने चाहिए उन्हें नहीं है, हाँ मुझे चाहिए तो मेरे नहीं है। और ये कौन है भाई साहब, इतने हार्ड नेल्स इनके कि क्या बताऊँ। और खूब ना जो नेल बेड है ना वो भी खूब लंबे लंबे, हमारे जैसे नहीं है अर्जुन के, बड़े सुंदर से नेल है और एक मेरे नहीं है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, चलो पैकिंग करते हैं। अर्जुन की तो, अरे ये क्या किया, मैंने एक ट्रिक सीखा है। हाँ, सूटकेस को जिसमें पैक नहीं करना चाहिए। हाँ, बता सब। ये क्या हो रहा है भाई, अभी एक गेम ना खेलो अर्जुन यार, गेम नहीं से छोड़ा, गेम नहीं खेलो से चलना, करते हैं पैक अच्छे से। क्या कर रहे हो तुम, ये भी सेम ही है, सेम वेट है ये भी, है ना। 12.5 नहीं, 12.05, दोनों का सेम ही है। सो ऑलमोस्ट 2 बैग तो पैक हो गए हैं, इनको साइड में रख देते हैं। और अब एक केबिन के लिए है तो ये भी देखते हैं, 7 kg होना चाहिए। बाकी थोड़ा छोटा छोटा चीज़ें हैं जो रखनी है। बस वी आर रेडी टू गो बेबी। और यहाँ पर कौन बात कर रहा है हमसे, दिख नहीं रहे हैं डैडी। ओके चलो, तो बस अब सोते हैं। टाइम कितना हो गया, 12:30 हो गया है। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, चाय पी लो। चाय बन गई है, अभी थोड़ी देर पहले उठी मैं 7:30 पे, रात को 2 बज गए थे सोने में पैकिंग करते करते। और
फिर अर्जुन तो अभी भी सो रहा है, अभी एग्जाम खत्म हो गए तो थोड़ा मैंने कहा चलो रिलैक्स कर लो, आज उसकी क्लास भी है फ्रेंच की, तो 11 बजे वो निकलेंगे और आज मेरा एक स्किन ट्रीटमेंट का अपॉइंटमेंट भी है 10 बजे। एक्चुअली पहले ही बुक करके रखा था, तब तक टिकट नहीं हुई थी हम सब की और ऐसा कुछ प्लान नहीं था जाने का, बट अभी मैंने इसको कैंसिल या रिशेड्यूल नहीं किया, मैंने कहा जाना भी है तो करा के ही जाती हूँ, दूर भी नहीं जाना है सामने ही है तो इसलिए भी आसान है तो इसलिए हो जाएगा। तो मैंने ना यहाँ पर ऐसे फेव ऐप है उससे बाय करा, तो बहुत अच्छी डील मिल जाती है ऐसे ब्यूटी रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट है, स्किन नेल्स या फिर रेस्टोरेंट वगैरह, बहुत सारे डील इस पर मिल जाते हैं। तो लाइक इंडिया में ग्रुप ऑन है शायद, पता नहीं मुझे, मतलब आई थिंक है, तो वैसे मतलब अच्छी डील्स मिल जाती है यहाँ पर। अदरवाइज अगर आप सिंगल ट्रीटमेंट लेने जाओ मतलब विदाउट एनी डील और विदाउट एनी पैकेज, तो फिर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पर, और इसमें तो करीब 70-80% डिस्काउंट मिल जाता है। बस डिफरेंस इतना ही है कि ऐसे डील्स जो फेव पे है ना वो आप सिर्फ साल में एक बार ही यूज़ कर सकते हो, वो एक है प्रॉब्लम, और वैसे भी ना यहाँ पे बहुत सारे सैलून्स हैं, मतलब एक ही रो में दो दो तीन तीन मिल जाएंगे और सारे के सारे बिजी चलते हैं यहाँ। और आज मुझे वो एयर सुविधा पे अपलोड भी करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और फिर ये जो कल टेस्ट कराया है वो भी, तो वो वाला तो अभी शाम तक आएगा RT-PCR का रिपोर्ट, और वैक्सीनेशन का तो मैंने कर लिया है डाउनलोड, तो बस वो सब कर देना, आज का काम बस इतना ही है। अर्जुन आ जाओ।